तो सुपर विलेन विद सुपर गर्ल के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था, जो भाई है ना ड्रैगन के साथ यहां पे फट की जा रही है। और जो हमारा मेकअप एजेंसी है उलिटली भाई अपने मुंह से कलर निकाल निकाल करे ना, वो नाटक किया जा रहा है। और जितना ज्यादा वहां पे हमला करती है उतना ज्यादा भाई ये तैयार होता है ना भाई, क्या बोलते हैं, लड़ाई के बाद प्रेशर ऑपरेशन हमारे मेकअप को लगता है, लेकिन रियलिटी में तो घंटे भी असर होता नहीं है, लेकिन बस एक कलर अपने मुंह से गिराया जा रहा ताकि लगे कि हाँ भाई मेरे को भी चोट यहाँ पे लग रही है। भाई उल्टे करने लग जाता है उसके लिए भाई बहुत ही चोट लग गया। उतने में जो सपोर्टर्स आ रहे थे ना वो सपोर्टर्स भी आ जाते हो, कहते हो ड्रैगन के बच्चे तू तो गया, जाओ मेरे क्लोन जाके हमला करो। तो सपोर्टर्स आ जाते हैं, हमारे मेकअप भी देखते हैं सपोर्टर्स आ गए, ये दोनों नीचे से यानी उशुआन और साथी में डिसाइपल भी देखते हैं सपोर्टर आ गए, अब बच जाएंगे। हमारा मेकअप देखते हैं सपोर्टर आ गए, नाटक करने की जरूरत यहाँ पे नहीं है, लेकिन मेरे मुंह से ना खून का बलि दिखाई दे रहा है, लेकिन स्मेल है ना वो कलर का आ रहा है, तो मेरे पास जानवरों का खून है और जानवरों का खून अपनी बॉडी पे लगा लेता है ताकि लगे कि सच्ची में मेरा खून यहाँ पे निकला है। पीछे से बाई आती है और कहती है टेंशन मत लो, स्ट्रांग बंदे आ गए वो लोग बचा लेंगे, चलो मेरे साथ, इतना बोल के पकड़ लेती है। हमारा मेकअप अभी कहता है अबे तुमने मुझे पकड़ के को लिया, ये भी कहती है भाई तुझे चोट लगा इतनी खून की तूने उल्टी किया, तू सही से उड़ भी नहीं सकता, मैं तुझे उड़ा के नीचे लाती हूँ। मुझे ऐसे नीचे लाती है, वो शुवांग भी भागते भागते आती, बाबू भाई अरे तुम दोनों तो ठीक हो ना, ज्यादा चोट नहीं ना लगी। जो सुंदर भाई कहती भाई मैं तो ठीक हूँ, मुझे ज्यादा चोट नहीं लगी, लेकिन तुम्हारा शेंशी भाई खून की उल्टियाँ करते करते बचा बार बार यहाँ पर। तो वो भी कहती है तुम्हारी तो हालत बड़ी खराब यहाँ पर लग रही है, तो डोंट वरी ये पिल यहाँ पे खा लो। हमारा मेकअप कहते हैं ये पिल बड़ा कीमती है मैं कैसे खा लूं, जो सुंदर ये भी कहती है कीमती है तो क्या भाई तुम्हारी जान से ज्यादा कीमती यहाँ पे नहीं खा लो, और नहीं ये तुम्हारी जान भी जा सकती है। हमारे मेकअप भी कहते हैं या मैडम गुस्सा काहे करती हो, लो मुझे खाने दो। तो सामने से भाई भी कहती वाओ तुम दोनों की जोड़ी देख के पता कैसी लगती है, चूहा और चूहिया का जोड़ी लगता है। हमारा मेकअप फिर घुर घुर के देखने लग जाता है, वो भी कहती हो क्या मुझे घुर घुर के यहाँ पे देखे जा रहा है, अब यार मैंने तेरी जान बचाई, अगर मैं ना रहती तो कब की तेरी बहन यहाँ पे बच जाती, और बड़ा यार मुझे घुर घुर के यहाँ पे देखने वाला हम बड़ी आई आई जो भी कुछ है। हमारी जो वुशुंग है वो भी कहती है भाई तुमने देख लिया, तुमको बचाने के लिए ज्यादा पावरफुल नहीं था तो भी आगे आ गया, और तुम इसको बुरा कमीना यहाँ पे मानती हो, अब मानती हो कि अच्छा यहाँ पर है मेरे लायक है। जो सुंदर भाई कहती है मैंने जितना बेकार यहाँ पे सोचा था ना उससे थोड़ा सा कम बेकार यहाँ पर है, ये भी कहती व्हाट डू मीन भाई कम बेकार यहाँ पर है, वो कहती है क्योंकि मुझे बेकार पहले भी लगता था और आज भी बेकार यहाँ पे लगता है, कुछ खास मेरा इंप्रेशन इससे ठीक नहीं हुआ है। जो सुंदर वुशुंग गुस्सा करती कि तेरी माँ का इनको चोट लगा कि तू इनके साथ बुरा करने के बारे में तो नहीं ना सोच रही, तो भाई भी कहती यार मैं इतनी भी बुरी नहीं हूँ जो किसी चोट लगे हुए बंदे के साथ बुरा करूँ। उतने में कुछ एल्डर्स आते हैं जो कि उसी के सेट के थे और कहते कह रहे यंग लेडी अरे सॉरी यार मुझे आने में लेट हो गया, अब ठीक हो ना। जो सुंदर ये भी कहती है डोंट वरी यार मैं ठीक हूँ, बस ठीक हो थोड़ा सा चोट यहाँ पे लगा है लेकिन मैंने दवाई दे दी है वो ठीक हो जाएगा। तो ये एल्डर भी देखते कि अच्छा आपको चोट लग गई हमारी यंग लेडी को बचाने के चक्के में, यार शुक्रिया आपने बचाने की पूरी कोशिश यहाँ पे की, वरना मैं अपने सेट के लीडर को मुंह दिखाने के लायक नहीं बचता। हमारे में कटक कहते हैं अभी मेरी भी जानी मनी यहाँ पर, उसकी जान नहीं बचाऊंगा तो किसकी जान यहाँ पे बचाऊंगा, और सुनिए ना यार अभी के लिए मैं लेटा हूँ मैं खड़ा नहीं हो सकता क्योंकि मेरे को चोट लगी है, सॉरी मैं खड़ा होकर नमस्कार भी नहीं कर पाया। वो भी कहते हैं डोंट वरी कोई बुरी बात यहाँ पे नहीं है। उसके बाद ना भाई से मिलता है और कहता है भाई तुम्हारा नाम है ना बहुत तुम्हारे बारे में सुना है, तो भाई भी कहते हैं यार इल्डर मैंने भी आपके बारे में सुना है, यार आप तो बड़े कमाल के हो, मैं छोटी बच्ची थी ना मैंने दूर से आपको देखा था, आप जैसे पहले लगते थे आज भी वैसे ही लगते हो। ये भी कहता है कि यार यार ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने सुना तुम्हारे सेट की लड़की या लड़कियाँ सब बड़ी कमाल की होती है, आज मैंने देख भी लिया। वो भी कहते हैं कोई बड़ी बात नहीं है, मुझे आपकी बॉडी से ना डेमोनिक एनर्जी यहाँ पे महसूस हो रहा है, लगता है उस एरिया में काम करते हो जिस एरिया में बहुत ही डेमोनिक एनर्जी है, ये लो बॉडी प्यूरिफिकेशन पिल, अगर आपने ये खाया ना तो सारा डेमोनिक एनर्जी निकल जाएगा। तो बुड्ढा खुश हो जाता है कि भाई मैं तो बस कुछ दिन का मेहमान हूँ क्योंकि मेरी बॉडी के अंदर ना डेमोनिक एनर्जी और मैं चाह के भी अपना लेवल अप नहीं कर पा रहा, लेकिन पिल खाऊंगा डेमोनिक एनर्जी निकल जाएगा, अपना लेवल अप यहाँ पे कर लूंगा फिर मेरी जिंदगी और बढ़ जाएगी। हमारा मेकअप कहता है सुनो डेमोनिक बॉडी है जिससे आपकी जिंदगी बचेगी नहीं, दो या तीन दिन में या फिर दो या तीन साल में मौत हो जाएगी, लेकिन अगर आपने बॉडी प्यूरिफिकेशन पिल यहाँ पे लिया लेते ही आपकी मौत हो जाएगी, इसलिए मैं आपको ये एडवाइस देना चाहूंगा कि ये पिल ना ही लीजिए वही ठीक रहेगा। सुंदर बुड्ढा कहता है तुम क्या कहना चाहते हो यार मुझे को समझ यहाँ पे नहीं आया, ये करने से मेरी जान कैसे जाएगी। हमारा शेंशी खड़ा होता है और कहता रुको यार मैं आपको सारी बातें बताता हूँ, तो भाई नोटिस करते खड़ा हो गया, देखो ये लड़का भी अभी लेटा था बड़ा चोट लगा था कि इसको खड़ा भी होने में बन रहा था, लेकिन अब देखो कितना ज्यादा खड़ा यहाँ पर हो गया, यानी ये लड़का नाटक कर रहा था मेरे को ना ब्लड के साथ ना किसी अजीब से जैम या फिर जो लाल कलर का होता है ना अभी फल उसका स्मेल यहाँ पे आ रहा था, यानी ये लाल कलर का फल यहाँ पे यूज कर रहा था खून का नाटक करने के लिए, यानी इसके पास बहुत ही पावर है ये बस छुपा रहा है। इंटरेस्टिंग, अब तो मेरा भी इंटरेस्ट नहीं इस लड़के में बहुत ही आ रहा है। हमारा मेकअप बुड्ढे को बताना चालू करता है कि आई नो आपकी बॉडी में डेमोनिक एनर्जी वो भले ही नुकसान यहाँ पे पहुंचा रहा है, लेकिन उसी डेमोनिक एनर्जी के चक्कर में आपकी बॉडी के जो कुछ पार्ट्स है ना वो काम यहाँ पे कर रहे हैं, अगर आपने एनर्जी निकाल दी बॉडी का वो पार्ट काम करना बंद कर देगा, बॉडी का पार्ट एक बार बंद कर दिया काम करना तो ऑटोमेटिक यहाँ पे मर जाओगे। बुड्ढा भी कहते हैं क्या बात करो या तो फिर मैं क्या करूँ। हमारा मेकअप
अटक है तो कोई और तरीका यूज करो, जैसे कोई फल, कोई और चीज जिससे आपकी जो उम्र है ना, उम्र यहाँ पे बढ़े। डेमोनिक एनर्जी निकालने वाला कोई चीज मत करो। तो ये भी कहता भाई, जो भी पिल, जो भी दवा, जो कुछ हो सके जिससे मेरी उम्र बढ़े, मैंने सब ट्राई मार लिया, जितना बढ़ना था उतना बढ़ गया, अब उससे ज्यादा कुछ भी नहीं हो सकता। हमारे में डर सोचता है एक टाइप का पिल मेरे पास है, लेकिन वो पिल आऊंगा तो भाई कुछ गड़बड़ हो सकता है, एक्सपोज हो सकता हूँ, तो नहीं ला सकता। इसलिए कहता है डोंट वरी, दुनिया बहुत ही बड़ी यहाँ पर है, कोई ना कोई तरीका, कोई ना कोई सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। जो सुंदर बुड्ढा भी कहता है शुक्रिया मुझे मोटिवेट यहाँ पे देने के लिए। और तभी आते हुए ड्रैगन के जहाँ पे एल्डर है ना, फाइट यहाँ पे किए जा रहा था, फाइट करते 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 एंड में जो ड्रैगन है ना डर के मारे वहाँ से भाग जाता है। तो ये एल्डर भी देखता है ड्रैगन भाग गया यार, अगली बार इसको छोड़ेंगे नहीं। हमारा मेकअटर नोटिस करता है ड्रैगन ने जाने से पहले मुझे घूर के गया, यानी साला मेरे को नीचे दिखा के गया, मिल जाए अगली बार या साले की कह के यहाँ पे ले लूंगा। बाद में जो ड्रैगन है ना इनके, ड्रैगन ही भाई एल्डर इसके पास आता है और आते कहता भाई नमस्कार यंग लेडी कैसी हो यार, लालत है मेरे ऊपर। वो जो ड्रैगन यहाँ पे था ना, जो हमारा ब्लैक टेटरी ना, ब्लैक टेटरी में रहता है लेकिन ये ग्रीन टेटरी, आई डोंट नो यहाँ पे कैसे आ गया, यानी काम ही अच्छे से नहीं कर पाया, निराशा हो गई, मैं लीडर के पास जाऊँगा, सजा लूंगा और इस काम से अपने आप को रिजाइन करवा दूंगा। जो सुंदर भी कहती करी ना यार रिजाइन करवाने की इसमें क्या गलती है, ड्रैगन था ही अजीब, आ गया तो आ गया। ये भी कहता है एल्डर क्या उससे ये याद आया आपकी जो अम्मी जान है ना बहुत ज़्यादा बीमारी यहाँ पर है, तो प्लीज़ से एक हो जाकर अपनी अम्मी जान से मिल लो। तो ये भी ऐसा चौक जाती है, डर जाती क्या अम्मी जान बहुत ही ज़्यादा बीमार है क्या। एल्डर भी कहते यस बहुत ही बीमार है, हो सकता है कि शायद टपक भी जाए, तो जाके मिल लो, अभी मेरा दो चार काम है वो मैं निपटा देता हूँ। तो बूशवंग तो पूरी टेंशन में थी, हमारा मेकअप टाइप पूछता बताओ यार अम्मी जान से मिलना जाना चाहती हो क्या। ये भी कहती है ऑफकोर्स यार मुझे टेंशन हो रहा है, मिलने का तो बहुत ही ज़्यादा मन कर रहा है लेकिन तुमको छोड़ के कैसे जाऊँ। हमारा मेकअप टाइप कहते डोंट वरी मैं भी तुम्हारे साथ आता हूँ, ये कहती ना अगर तुमको मेरे बजान यहाँ पे देखेंगे ना देखते जिंदा यहाँ पे खा जाएंगे, तो प्लीज़ यार तुम अभी मत आओ, तुम अपने सेट में जाओ, मैं अपने अभी जान से मिल लेती हूँ, बाद में तुम्हारे पास आऊँगी। हमारे में कहता है चलो ये भी ठीक है, उसमें कोई बुरी बात नहीं है, बाकी बंदे देखते कह रहे यार इनका ऐसे टाइम पे भी रोमांस चालू हो गया। फिर सामने से ऊशवंग कहती बाई चांस मान लो मैं गई और वापस यहाँ पे नहीं आई, तुम क्या करोगे, ढूंढे ढूंढे मेरे पास आओगे क्या। हमारा में कहता है 3 दिन का मैं 3 महीने का टाइम यहाँ पे दे रहा हूँ, 3 महीने के तुम वापस आ गए तो ठीक है, अगर नहीं आई मैं सेट में आऊँगा तुमको देखने के लिए, क्यों ना कोई भी बीच में रोकने के लिए मुझे आ जाए उसको रास्ते से मिटाऊंगा और तुमको लेकर आऊंगा। तुम्हारा बजान बीच में है ना, अब्बा जान की भी मार मार के कुटाई कर दूंगा लेकिन तुमको बचा लूंगा। ये भी कहती तुम ना बड़े जालिम और बेकार आदमी हो, भाई सही तुम्हारे बारे में कहती हो यार, अब्बा जान को मारना जरूरी था क्या, अब्बा जान से मत मारना यार उनको, और ये बड़ी बड़ी बातें बात किया करो। वह एक छोटा सा रिक्वेस्ट यहाँ पर है कि बस मेरे को याद करना और मैं आने की पूरी कोशिश यहाँ पे करूंगी, इतना बोल के गाल पे पप्पी देती है और कहती करोगे ना मुझे याद करोगे ना। हमारा मैं कहता कहता 2400 घंटे बस तुमको याद करूंगा। तो बाकी एल्डर देखते कि अरे यार इन दोनों का रोमांस खत्म होगा क्या, हमको भी जाना यार। तो फाइनली वो निकल जाती है एल्डर लोग के साथ, हमारा मैं कहता भी बाय बाय करता है और चैप्टर खत्म हो जाता है। और ये 100 एपिसोड था, तो 100 एपिसोड हो चुका है। हाँ तो भाई मैं लाइक हटा के देना चाहता हूँ 3000 का, प्लीज़ पूरा कर दीजिए। तो हम मिलते किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।